गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी लोग अपने घर पर रहें और बाहर जाएं तो अपने मास्क का प्रयोग करें। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली हुई है, तो आप लोग इससे बचने के लिए अपने घर में ही रहें, ठीक है? तो मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल AR विकास वर्मा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं एक आर्किटेक्ट का थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं आर्किटेक्ट डिजाइन से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कोई भी वीडियो आपके पास कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था कि एक प्लान का एलिवेशन, सेक्शन व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू और साइड प्लान, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। और मैंने कल इसके पीछे एक वीडियो में अपलोड की है साइड प्लान की, वो आप देख सकते हैं कि साइड एरिया या साइड प्लान कैसा क्या होता है। मैंने आपको बढ़िया तरीके से पीछे वाले वीडियो में आपको बढ़िया तरीके से समझाया है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को आज बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ कि एक प्लान का एलिवेशन कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है? मैं आपको आज बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ कि एक प्लान का कैसे तैयार करते हैं, जैसे कि कोई भी तैयार करना हुआ एलिवेशन वगैरह कैसे तैयार करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि कोई एरिया है, ठीक है, 10x20 मीटर की, ठीक है? मैंने आपको स्केल कैसे चेंज करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है? ठीक है, तो मैंने बताया था स्केल वगैरह किस लिए आता है। मैंने स्केल का पूरा वर्णन मैंने किया यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, ठीक है? तो आपको अच्छे तरीके से वहां पर जैसे कि एक बढ़िया सीट मिलेगी तो आपको एरिया लिखना है, बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने लिखा है, और प्लान 1:100 के स्केल पर, ठीक है? फिर आंसर लिखना है, आंसर के बाद स्केल 1:100 पर, ठीक है? और आपका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 10x20 मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो आपको आप लोगों को इस स्केल पर आपको स्केल तोड़ लेना है, ठीक है? तो हम लोगों ने 10x100 इसको 10 मीटर को 100 किया मल्टीप्लाई, तो हम लोगों ने इसे 10 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, उसको उसके बाद मैंने 100 की स्केल पर इसको काट दिया, तो 10x इसी प्रकार से इसको 20 आया। तो 10x20 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोगों का एक स्केल पर आधारित ये हमारा एक एरिया निकला है कि हमें स्केल पर, जैसे कि हमारी ड्राइंग छोटी होती है, मैंने आपको समझाया था स्केल क्या क्या होता है। आप अगर नहीं समझ में आया है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख लें, उसके बाद यहां से समझना स्टार्ट करें, ठीक है? तो यहां से समझना स्टार्ट करें आप, ठीक है? तो 10x20 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना होगा, एक प्लाट जो होती है अपने प्लाट है वो अपने सीट पर 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी होगी और एक बैग 20 सेंटीमीटर की, ठीक है? तो ऐसा कुछ प्लाट बना लेना है, ठीक है? तो हम लोग एक्चुअली दर्शाएंगे कितना, दर्शाएंगे 10 सेंटीमीटर की, वो जो हम लोग खींचेंगे लाइन वो 10 सेंटीमीटर खींचेंगे, लेकिन दर्शाएंगे कितनी, 10 मीटर की, ठीक है? ये आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखें आप, ठीक है? ये और ये कितनी है, एक्चुअली कितनी दर्शाई है हमने, 20 सेंटीमीटर, लेकिन दर्शाएंगे कितना हम, 20 मीटर, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी होगी, ठीक है? तो ये पूरा स्केल का फंडा है, ठीक है? तो आप लोगों को इसके बाद अब मैं बताऊंगा कि कैसे क्या एक प्लान का, ठीक है, एक प्लान का एलिवेशन तैयार किया जाता है, ठीक है? चलिए अब मैं इसी चीज का 10x20 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के एरिया में आप लोगों को एक 2D प्लान और उसका एलिवेशन बना के दिखाऊंगा कि आप लोगों को सीट पर कैसा प्लान बनाना है, ठीक है? चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये एक 2D प्लान का प्रक्षेप डालकर, ठीक है, 2D प्लान का प्रक्षेप डालकर मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, प्रक्षेप, ठीक है? तो उस प्रकार से मैंने यहाँ पर एलिवेशन इसका तैयार किया है। ये मेन गेट है, इसके अंदर एंट्री किया, यहाँ पे पूरा एरिया कार पार्किंग है, ये स्टेयर्स वगैरह है, ये ऊपर को चली गई, ठीक है? इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये डोर है, ये भी डोर है, ये अंदर का डोर है, ये बाहर का डोर है, ठीक है? और ये उसके बाहर की एक्सटीरियर वॉल, ठीक है, 4 फीट या 5 फीट की ऊंची दीवार, ठीक है, बढ़िया डिजाइन के लिए। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 2D प्लान, ठीक है? 2D प्लान मैंने किस प्रकार से तैयार किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका रहा 2D प्लान, और इसी के नीचे प्रक्षेप डालकर मैंने
ये मैंने इसका फ्रंट एलिवेशन तैयार किया है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मैं आप लोगों को प्लान समझाता हूँ कि कैसे क्या है। इसका जो एरिया है वो 15x20 मीटर है, ठीक है, सॉरी मैंने वहाँ पे 10x मीटर का दिखाया था, लेकिन इसमें 15x20 है, 15x20, ठीक है। तो 15x20 का एरिया है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से एंट्री की, स्टेयर हमारा, स्टेयर के नीचे 18 फीट हमारी, सॉरी ये 10 मीटर की जगह है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक 10 मीटर की जगह है। मैंने इसके अंदर एंट्री की, अपनी कार पार्क की, ये पूरा ओपन एरिया है, इसके मैंने एंटर किया। एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, इससे अटैच लेटरिन बाथरूम है, इससे भी अटैच लेटरिन बाथरूम है, और ये एक बेडरूम है, इससे भी अटैच लेटरिन बाथरूम है, ये बीच में एक गैलरी है, ठीक है। इसके बाद एक ये लिविंग रूम, जो बैठक बोलते हैं, जिसमें कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो उसको यहाँ पर बैठालते हैं, ये वगैरह हो गया, ये किचन हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये थोड़ा मैंने 2 मीटर की जगह, 1.5 मीटर की जगह मैंने छोड़ी है, यहाँ पर अपना लोग जो होते हैं जैसे कि फुलवारी वगैरह लगा लेते हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हम लोगों का प्लान है पूरा, ठीक है। प्रक्षेप डालकर, जैसे क्या प्रक्षेप क्या होता है, प्रक्षेप आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि ये वॉल है, वॉल से हमने एक सीधी लाइन खींची आगे तक, फिर इसी पे हमें एक वॉल क्रिएट करनी है, उसके बाद विंडो हमने बनाया है, तो विंडो इसी के साइज पे होगा, ठीक है। विंडो कहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है, तो विंडो हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म की। उसके बाद ये डोर बना हुआ है, तो हमें डोर बनाया, ठीक है। उसके बाद ये अंदर की वॉल है, ये जो आप ये चीज़ देख रहे हो ना, ये अंदर का है, ये वॉल है, ये वॉल हमारी ये रही, ये हमारा विंडो है, ये विंडो रहा, ये हमारा गेट है, ये हमारा गेट रहा, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से, ये हमारे अंदर स्टेयर है, तो स्टेयर कुछ इस प्रकार से दिखेगा सामने से, फ्रंट से, ठीक है। तो ये हमारा एक 2D प्लान का एलिवेशन है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये 2D प्लान कैसा लगा आप लोग हमें बताना। अगर कोई भी, अगर आपको ये फ्रंट एलिवेशन या किसी प्लान का एलिवेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, या मेरे ईमेल आईडी पे या मेरे फ़ोन नंबर पे आप मुझे पर्सनली कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, एनीथिंग, मैं आप लोगों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, यही मेरा मेन मोटिव है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये मेरा प्लान है, ये मेरा 2D एलिवेशन है, 2D प्लान है, फ्लोर प्लान, और ये मेरा फ्रंट एलिवेशन है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके समझा दिया है कि कैसा क्या है। इसके बाद में आप लोगों को GPS रिलेटेड एक आता है गोथिक अक्षर, गोथिक वर्ड, ठीक है। मैंने जैसा कि मैंने कल स्केल के बाद मैंने आपको GPS रिलेटेड गोथिक अक्षरों को इंट्रोड्यूस करवाया था कि कैसे क्या देखते हैं, कैसे क्या बनाया जाता है। मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए इसके बाद 2 घंटे के बाद मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है भाई। इस प्लान को और इसको बनाने में कम से कम हमें 1.5 घंटा 2 घंटा लगा है, तो मैंने मेहनत इसमें मैंने की है, तो मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये 2D प्लान कुछ अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और एक शेयर कर दें। बस आप लोगों से मुझे यही अनुरोध है कि आप लोग मेरे बढ़िया से चैनल को आगे तक बढ़ाएँ, ठीक है, और मेरे हौसले को भी बढ़ाएँ, और अपने घर पर बैठे बढ़िया तरीके से आप मेहनत करें, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ तैयार की है एक सीट पे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो इसी प्रकार से आप लोगों को तैयार करना है, मेहनत बढ़िया तरीके से करनी है, ठीक है, चलिए, ठीक है, अच्छा, बाय बाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।